की सोच रहे हैं, खबरदार हो जाएं आप सभी लोग, क्योंकि अमेरिका में दो हफ्ते में 97,000 बच्चे कोरोना संक्रमित, 97,000 बच्चे। बाल रोग एकेडमी और CHA ने रिपोर्ट जारी कर अमेरिका में जुलाई के अंतिम दो हफ्ते में रिपोर्ट जारी की है। चिंताजनक अमेरिका में करीब 3,40,000 बच्चे संक्रमित। स्कूल खुलने से पहले आई डराने वाली सर्वे रिपोर्ट। बिग वॉल पर जाऊंगा और ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मनीष शाह स्टैंड बाय पर रहे, मैं आपके पास आने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। बड़ी खबर क्विकली ये दिखाएं, क्योंकि स्कूल जाने की अगर जो बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें आप, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में महीनों से बंद स्कूलों को अब खोलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चेंज करें, कोरोना संक्रमित बच्चों पर आई रिपोर्ट के बाद स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट। अमेरिका में दो हफ्ते में 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित, यानी कि 1,00,000 से सिर्फ 3,000 कम। बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण भी फैला सकते हैं, ये विशेषज्ञ की बात है। उनको मैं बताना चाहूंगा, स्पेनिश फ्लू सेकेंड वेव में भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डराने वाली। बड़ी खबर, 2020 के अंत तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना हो सकता है। हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना के 1857 मरीज, ये भारत का सबसे बड़ा चिंताजनक है। हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के 60,000 से 67,000 मरीज। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज हर दिन आ रहे हैं। 31 अगस्त से 34,00,000 से ज्यादा संक्रमित होंगे। बड़ी खबर आपके सामने, और मैं आपको सीधे ये हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष ने कई सालों तक मेडिसिन भी कवर किया है। मनीष, भारत में कोरोना का संक्रमण दिसंबर तक बहुत हैरान करने वाला, प्लीज गो अहेड, बताएं हमें इसके बारे में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दिसंबर तक जो कोरोना संक्रमण की संख्या है वो बहुत ज्यादा। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर अमेरिका से आ रही है, चौंकाने वाली खबर आ रही है कि यहाँ पर दो हफ्ते में 97,000 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर 97,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना से संक्रमण हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत में स्कूल और कॉलेज खोलना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर हम सब लोगों को वैक्सीन आने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही स्कूल कॉलेज ओपन करना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी